ओनली ट्रुथ, सिर्फ सच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली ट्रुथ पर। आज की ताज़ा खबरें, नोएडा। 3 दिन से लापता छात्र प्रियांश, थाना सेक्टर 20 क्षेत्र का है निवासी। 3 दिन से लापता है छात्र, नोएडा पुलिस नहीं लगा पाई सुराग। परिजनों का आरोप है पुलिस नहीं कर रही है कोई कार्रवाई। 3 दिन पहले लिखी गई थी गुमशुदगी की FIR। सहारनपुर, बेखौफ बदमाशों का आतंक जारी, पुलिस को बदमाशों की खुली चुनौती। पेट्रोल पंप कर्मचारियों को बंधक बनाकर बदमाशों ने लूटे हजारों रुपए। कार सवार 4 बदमाशों ने हथियारों के दम पर की लूट। थाना बेहट इलाके के जसमौर पेट्रोल पंप की घटना। लखनऊ, PFI और भीम आर्मी के बीच आर्थिक लेनदेन की ईडी कर रही है जांच। ईडी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दी जानकारी। PFI के सीनियर सदस्यों से मिले सबूतों के बाद हो रही है जांच। शाहजहांपुर, मारपीट मामले में गई पुलिस टीम पर हुआ हमला, दारोगा और सिपाही घायल। डायल 100 की गाड़ी भी तोड़ी, लोहे की रॉड से दबंग ने किया हमला। पति पत्नी मामले में बचाव में गई थी पुलिस। थाना बंडा क्षेत्र का मामला। मिर्जापुर, पूर्व प्रधान राजेश यादव को बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। देहात कोतवाली क्षेत्र के बेलहरा मोड़ पर अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। गोली से घायल पूर्व ग्राम प्रधान की ट्रॉमा सेंटर वाराणसी में उपचार के दौरान हुई मौत। बागपत, बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को लगी गोली। 25,000 का इनामी है बदमाश, गौरव उर्फ टाइगर। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश हुए फरार। थाना सिंघावली क्षेत्र के पिलाना भट्टा जंगल में हुई है मुठभेड़। चंदौली पुलिस ने ट्रक से 18 गोवंश को कराया मुक्त। मौके से 2 तस्कर गिरफ्तार। गोवंश की खेप वध हेतु ले जाई जा रही थी पश्चिम बंगाल। सैयद राजा पुलिस को NS2 नौबतपुर पुलिस बूथ से मिली कामयाबी। लखनऊ, स्नातक शिक्षा चुनाव को लेकर BJP UP की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष लखनऊ में करेंगे बैठक। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ताज़ी खबरें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिए।